Hello students. In today's lecture we will discuss chapter third of history, which is rise and spread of Islam. In this chapter, we will learn about Arabia in pre-Islamic times, life of Prophet Muhammad, Rise and Spread of Islam in Arabia, Teachings and Five Pillars of Islam and Rise of Caliphate. First, we will discuss about Arabia in pre-Islamic times. Arabs before the rise of Islam were divided into tribes or Kabila, each led by a chief. These tribes emphasized on family cooperation to strengthen the clan system. Many herb tribes were nomadic, moving from place to place in search of food and fodder for their camels. Some settled in cities and practiced trade or agriculture. since these nomadic tribes did not follow any single authority, there were frequent fight over resources between different tribe clans. to iska matlab ki jo ops tha islam के pehle तो वो tribes में divided थे मतलब अलग अलग communities में divided थे हर एक community tribe को chief मतलब उसको chief चलाता था उसका एक chief होता था these tribes emphasized वो ये जो ट्राइब्स थी ये फैमिली कोऑपरेशन मतलब फैमिली एक फैमिली सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए फैमिली कोऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देते थे देन मैनी ट्राइब्स और नोमैडिक बहुत ज़्यादा जो बहुत सारी ट्राइब्स थी जो वो नोमैडिक थी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमती थी अपनी अपने कैमल्स के लिए अपने एनिमल्स के लिए फ़ूड सर्च करने के लिए देन कई सारी ट्राइब्स सिटीज़ में सेटल्ड हो गई और वहीं पे उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर शुरू कर दिया तो इसके बाद बहुत सारी नोमेटिक ट्राइब्स ऐसी थी जो किसी भी अथॉरिटी को फॉलो नहीं करती थी किसी के अंडर नहीं काम करती थी और इनमें बहुत ज़्यादा फाइट होती थी रिसोर्स को लेके मतलब अलग अलग चीज़ों को लेके फाइट होती रहती थी देन ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेस हु वॉज वर्शिप एज एन आइडल इन श्राइन द वॉरिंग ट्राइब्स ऑफ अरेबिया वुड पुट असाइड एंड मीट इन सिटी ऑफ मक्का in makkah there is a cube like structure called kaaba which housed idols from all the tribes of arabia the kaaba was the center of arabian religious life each tribe would make annual pilgrimages to the shrine तो इसका क्या मतलब है कि हर एक ट्राइब के अपने भगवान होते थे हर एक अपने अपने अलग अलग भगवान को मानते थे ठीक है तो पर एक बार साल में एक बार ज़रूर सारी ट्राइब्स अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करती थी अपने बीच की दूरियों को ख़त्म करके एक जगह पे मिलते थे कहाँ पे मिलते थे वो मक्का में मिलते थे और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है क्यूब लाइक कब्बा जो मतलब जिसको सारे Uh, सारी ट्राइब्स मानती थी और एक तरह से कब्बा जो था वो अरेबिया का रिलीजियस सेंटर था जहाँ पे सबका आना ज़रूरी होगा उस होता था उस टाइम पे मतलब एनुलिलीग्रमेज प्रिली, एक बार उनको एक साल में यात्रा करनी वहाँ पे ज़रूरी थी देन राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया It was in this world that Muhammad was born in five seventy C.E. in the city of Makkah, in Qurash tribe. After being orphaned at an early age, he was raised by his paternal grandfather, Abd al-Muttalib, and his uncle Abu Talib. From a very young age, Muhammad accompanied his uncle on his trading journeys, where he gained experience in trade. हिज जर्नी स्टार्ट हिम अबाउट डिफरेंस प्लेस एंड देर कल्चर एंड बिलीव सी मैट पीपल फॉलोइंग जुदम एंड क्रिस्टानिटी तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मोहम्मद का मोहम्मद का जन्म हुआ फाइव सेवेंटी सी ई में मक्का में तो उनकी कौन सी ट्राइब थी कोहराश ट्राइव तो वो बच अनाथ हो गए थे अर्ली एज में ही बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गए थे तो उन्हें रेस्ट किया उस उनके पेटरनल ग्रैंड फादर ने ठीक है मतलब उनके दादाजी ने दैन और उनके दादाजी अल मुतालिब ने और उनके अंकल ने उन्हें रेस किया बड़ा किया फ्रॉम अ वेरी यंग एज वो बहुत ही यंग एज में अपने अंकल के साथ ट्रेडिंग जर्नीस व्यापार करने के लिए जाना शुरू हो गए थे उन्हें यहाँ पे इन ट्रेड पर बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला क्या जब वो डिफ़रेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए तो वहाँ का कल्चर उन कल्चर के बारे में उनको पता लगा वहाँ के बिलीव्स के बारे में उनको पता लगा और उनको Uh, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में भी पता लगा जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया जुडाज़्म हो गया तो उनको इसके बारे में भी पता लगा दैन मोहम्मद वॉज अ राइटियस एंड स्परिचुअल मैन हु ऑफन स्पेंड टाइम मेडिटेटिंग इन की फीरा ऑन माउंट जबाल और नूर इन नियर मक्का ही डिसलाइकड आइडल वर्शिप एंड वॉज कंसर्न विद द ट्राइबल क्लैशिज एंड इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज अमंग डिफरेंट क्लैशिज ही बिलीव दैट वर्शिपिंग वेरियस डाइट डिफरेंस तो वो एक भक्ति करने वाले इंसान थे मोहम्मद तो वो हमेशा अपना टाइम जो ज़्यादातर टाइम थे वो स्पेंड करते थे केव हीरा में जो मक्का के पास है तो वो किसी भी आइडल को मतलब कि किसी बंदे को पूजने के हक में नहीं थे वो ये समझते थे कि एक ही गॉड है उसको ही पूजना चाहिए वो उनके मानना ये था कि जो ये डिफरेंसेस हैं अलग अलग ट्राइब्स में ये इसीलिए हैं क्योंकि ये सारी ट्राइब्स अलग अलग गॉड और गॉडेस को पूजते हैं इसीलिए ये हैं

मेडिटेट कर रहे थे तो उन्हें एक रोशनी मिली इंजल गेब्रियल से मतलब एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने गेंजल इंजल गेब्रियल ने उन्हें बताया कि गॉड ने उन्हें चूज़ किया है किसके लिए उनके मैसेंजर बनने के लिए तो उसके बाद मोहम्मद उस टाइम पे फोर्टी इयर्स के थे और उन्हें इस टाइम पे बहुत सारे रिविलेशन्स मतलब एक तरह से डिवाइन रिविलेशन डिवाइन एक्सपीरियंस प्राप्त हुए जो सारा कुछ कुरान में एकत्र इकट्ठा एक किया हुआ है कुरान में हम जब पढ़ेंगे तो सब कुछ पता लगेगा देन मोहम्मद स्टार्टेड प्रीचिंग दैट देयर इज ओनली वन गॉड अल्लाह एंड दैट ही अलोन शुड बी वर्शिप्ड तो उन्होंने ये स्प्रेड मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया कि अल्लाह एक ही है और उनको ही पूजा जाना चाहिए देन मोहम्मद ऑल्सो टॉट दैट वन शुड लाइफ इन कम्प्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ़ अल्लाह और उन्होंने ये भी बताया ये भी सिखाया कि एक बंदे को एक आदमी को अपनी पूरी लाइफ अल्लाह के अंडर रह के गुजारनी चाहिए उसकी मर्जी में गुजारनी चाहिए देन दज मोहम्मद फाउंडेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड बिगन इज जर्नी एज अ प्रॉपर्ट हीज वाइफ खादीजा इज़ to be his first follower his family members and several people from his tribe started following his preaching and accepted Islam followers of Islam came to be known as Muslims तो so, उन्होंने कौन सा रिलीजन फाउंड किया इस्लाम रिलीजन फाउंड किया और एक पैगम्बर की तरह अपनी यात्रा जर्नी शुरू कर दी तो so, उस उनकी वाइफ जो थी वो उसकी पहली फॉलोअ थी उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और इस तरह से जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे उन्हें मुस्लिम कहा जाने लगा दैन एंड द कुरानिकीम द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स और कुरान जो थे उनकी होली बुक बन गई दैन मोहम्मद फॉर बेड आइडलैस एंड सर्विस टू ऑल उन्होंने बोला कि किसी एक को पूजा नहीं जाना चाहिए अलग अलग मतलब जैसे अभी लोग कहते हैं न किसी एक पंड पर्टिक, पर्टिकुलर आदमी को पूजने लग जाते हैं वैसे आइडल वर्शिप को नहीं पूज किसी भी एक बंदे को नहीं पूजना चाहिए और उन्होंने ये बोला कि हर एक की मदद करना मदद करने पे प्रेशर दिया कि हर एक की मदद करनी चाहिए सबकी मदद करने पर प्रेशर दिया बाई सी टू सी ई मोहम्मद गेन कंसीडरेबल फॉलोअर्स इन मक्का हाउ एवर द मोनोस्थिक आइडियाज़ ऑफ इस्लाम्स कंसीडरेबल कंसिडरेबल अपोजिशन फ्राम मकियन अथॉरिटीज़ तो उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए मक्का में भी तो इस वजह से उन मतलब जो वहाँ के आइडियाज थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उससे इफेक्ट हुआ उनके आइडियाज़ पे उनके आइडियाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी टू सी ई में उन्हें फोर्स किया गया कि आप मक्का से चले जाओ और अपने फॉलोअर्स को मदीना ले जाओ तो मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना इज़ नोन एज हिजरत तो उनकी जो, जो, जो जर्नी है मक्का टू तो मदीना की इसको क्या बोला जाता है हिजरत देन द पीपल ऑफ़ मदीना वेलकम्ड प्रॉफर्ट मोहम्मद एंड एज फॉलोअर्स एट मदीना मोहम्मद सेटअप ए पोलिटिकल कम्यूनिटी बेस्ड ऑन इस्लाम तो मदीना में उनको वेलकम उनका वेलकम किया गया पैगंबर मोहम्मद का और उनके फॉलोअर्स का और उन्होंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी स्टार्ट मतलब एक राजकाट मतलब अच्छी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके वहाँ पे सेटअप कर लिया पॉलिटिकल कम्युनिटी सेट कर दी देन इन सिक्स सिक्स टू नाइन सी ई मोहम्मद रिटर्न टू मक्का एंड साइज इट सिक्स ट्वेंटी नाइन सी ई में वो वापस आ गए और मक्का को कैप्चर कर लिया मोहम्मद जी ने दैन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू एंड हाफ ईयर्स इस्लाम मक्का एंड मदीना बिकेम द होली प्लेस ऑफ इस्लाम मक्का मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द राइजिंग इस्लाम स्टेट विद मक्का एज रिलीजियस सेंटर तो अब सिक्स ट्वेंटी नाइन में जब उन्होंने कैप्चर कर लिया मोहम्मद जी ने दैन उसके ढाई साल के अंदर अंदर बहुत सारे अब ट्राइब्स थी जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए तो मक्का और मदीना दोनों एक तरह से होली प्लेसेस सेक्रेट प्लेसेस बन गए इस्लाम के जो मदीना था वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया जहाँ पे पूरा राजट संभाला जाता था मतलब कंट्रोल किया जाता था और जो मक्का था वो एक तरह से रिलीजियस सेंटर बन गया देन द आइडल्स इन द कब्बा इन मक्का वर रिमूव्ड एज अ मुस्लिम फेज द श्राइन बाई ऑफरिंग प्रेयर्स बाई द टाइम मोहम्मद डेथ इन सिक्स थर्टी टू सी ई इस्लाम है इंटायर अरेबियन पेनंसुलास थर्टी टू सी ई में मोहम्मद की डेथ से पहले ये जो इस्लाम धर्म था ये बहुत जगह से फैल चुका था पूरे अरेबियन पेनंसुला में फैल चुका था विद इन अ शॉर्ट टाइम प्रोपेट मोहम्मद वाज एबल टू यूनाइट द वॉंग ट्राइब्स ऑफ अरेबिया अंडर न्यू फेथ कम्यूनिटी एंड स्टेट छोटे थोड़े ही टाइम में जो पैगम्बर मोहम्मद थे वो एबल मतलब सफ़ल हो गए

फेथ ऑफ एवरी मुस्लिम से इस्लाम में ये दिखाया मर्जी में जीने लगेगा सिंस मोहम्मद सिंगल गॉड उन्होंने ये सिखाया कि एक ही गॉड है और एक ही गॉड के अंदर अंडर रहना चाहिए तो एक तरह से जिसपे लोग विश्वास करते हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ वो क्या कौन से कौन से हैं सबसे पहला बिलीफ इन वन गॉड एक गॉड पर भरोसा बिलीव इन एंजल्स जो कहते हैं जैसे एंजल गेब्रियल की आ, से उनको डिवाइन रिविलेशन प्राप्त हुई थी तो ऐसे एंजल्स पर भरोसा करना देन बिलीफ इन ऑल प्रोफेट्स सारे प्रोपेट्स जो जैसे प्रोपेट मोहम्मद थे उन पर बिलीफ देन बिलीव इन गॉड रिवील्ड बुक्स गॉड की जो बुक्स थी उन उनप भरोसा बिलीफ इन फेट अपने भाग्य पे भरोसा एंड बिलीफ इन द जजमेंट डे और जो जजमेंट डे हो उस पे बिलीफ देन फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम फाइव पिलर्स कौन से कौन से इस्लाम के ऑल मुस्लिम्स परफॉर्म फाइव ड्यूटीज आर कॉल्ड द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन से कौन से हैं फर्स्ट शहादा फेथ विश्वास मुस्लिम मस्ट डिक्लेयर दैट फेथ दैट देयर इज ऑनली वन गॉड एक गॉड पर विश्वास देन सलात प्रेयर मुस्लिम मस्ट से दैट देयर प्रेयर फाइव टाइम्स फजीर बिफोर सनराइज जोहर अली आफ्टरनून असर ही लेट आफ्टरनून मगर आफ्टर सनसेट एंड ईशा नाइट दे मस्ट फेस मक्का ड्यूरिंग नमाज तो एक तरह से उन्हें एक दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने का हुक्म है पढ़नी चाहिए इन द सेंस जका चैरिटी मुस्लिम मस्ट कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम टू चैरिटी टू हेल्प द पुअर एंड नीडी चैरिटी मतलब उनकी जो उन्होंने इनकम खरीदी उन, उनको इनकम जो मिली उसमें से उन्होंने फिक्स किया हुआ कि इतनी अमाउंट वो नीडी को देंगे देन स्वाम फास्टिंग मुस्लिम मस्ट फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क ड्यूरिंग रमजान रमजान फास्टिंग फ्रॉम फूड वाटर एंड बर्डली Comfort. तो रमज़ान के दिनों में वो फास्ट करेंगे देन लास्ट हज पिलीग्रीमेज टू मक्का मुस्लिम मस्ट मेक पिलीग्रीमेज टू मक्का एट लीस्ट वाइफ टाइम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी कहा कि मक्का की नाउ विल डिस्कस अबाउट इस्लाम आफ्टर मोहम्मद दैलिफेट जो अब मोहम्मद के बाद इस्लाम का क्या हाल हुआ मोहम्मद वाज सक्सीड बाई रॉयल एंड कम्पनीियन अबू बकर अबू बकर टुक द टाइटल ऑफ़ खलीफ़ा और खलीफ था खलीफ बिकम द रिलीजियस एंड पोलिटिकल हेड ऑफ़ मुस्लिम्स तो अब मोहम्मद के बास, बाद उन्होंने कितने सक्सीड किया किसने सक्सीड किया अबू बकर ने उन्होंने टाइटल अडोप्ट किया किसका खलीफा और खलीफ और ख़लीफ एक तरह से पूरी रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड थे पूरी तरह से मुस्लिम्स के हेड बन गए दैन अंडर द लीडरशिप ऑफ अपू बकर एंड लेटर उमर द सेकंड खलीफ एजलिडेबल मिल्टी फोर्स एंड टू कॉन्कर टू लैंड स्पीड दील फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन वॉज ड्राइवन बाई रिलीजियस फरवर एज वेल एज द नीड टू हैव कंट्रोल ग्रेट सोर्सिस तो अब अबू बकर के लीडरशिप में और उमर के लीडरशिप में जो सेकंड खलीफ थे उमर उनकी लीडरशिप में एक तरह से बहुत उभर के आया इस्लाम एक तरह से मिलट्री फोर्स के Uh, तरह उभर के आया और उन्होंने कई सारे लैंड्स को अपने अंडर एक तरह कॉन्कर कर लिया बहुत ही जल्दी जल्दी से देन उमर वॉज फॉलोड बाई उ एज द नेक्स्ट खलीफ बट हिज रीजन वॉज ब्रॉट टू एन अब्रप्ट एंड इन सिक्स फिफ्टी सिक्स सी ई वॉज सक्सीडेड बाई अली हु रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रॉफिट आफ्टर दैट ऑफ अली द अलीफेंट मूव इन द हैंड्स ऑफ उमर डनेस्टी एंड डर आफ्ट दबा तो उमर के बाद

और उन्होंने जो ट्रेडिशनल मुस्लिम जैसे पहले इलेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को ख़ुद चुनते थे वो रूल ख़त्म कर दिया अंडर द हमायाज द इस्लामिक इस्लामिकम्पायर स्ट्रेच ओवर वास्ट एरियाज़ लाइक ईरान सीरिया सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका एंड द पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग स्पेन तो उनकी डेनेसटी में जो इस्लामिक एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फैला ये दो देश थे ईरान सीरिया सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग स्पेन देन द माया द नेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट नाइनटी ईयर्स एंड वॉज रिप्लेसड बाईस नब्बे साल तक उन्होंने रूल किया और उसके बाद अबासड्स नेस्टी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया शिफ्टेड द दैलिफिट फ्रॉम डोमस्कस टू बगदाद उन्होंने अपनी शिफ्ट करके बगदाद बना ली कैपिटल अंडर दू भी एसोशिएट विद ग्रेटनेस एंड ग्लोरी द एम्पायर केम टूडेंटिफाइड एज द प्रिंपल ऑफ सिविलाईजेशन टू देर प्रॉस्पेरिटी एंड पावर तो इनकी इनके अंडर एपसड्स के अंडर एक बहुत ज़्यादा मतलब निकल के उभर के आए इस्लाम धर्म एंड ग्रेट सच सचेज कायरो दमस्कस एंड बगदाद फ्लोरिस्ट एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज कायरो दमस्कस और बगदाद एक तरह से सेंटर ऑफ लर्निंग बन गए वहाँ पे एजुकेशन दी जाने लगी देयर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अलोड द अ न्यू इस्लामिक एग्रीकल्चर स्टाइल प्रैक्टिस बाय मैनेट्रीज एंड डोम्स उनके पास इतने मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी जिससे वो नए तरीके की चीज़ों की डेवलपमेंट कर सके जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल ठीक है डोम्स बना सकें तो मतलब उनके पास था ऐसा मटेरियल देन द न्यू सिटीज़ वर बाय द इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स फॉलोइंग दी स्टाइल्स तो उन्होंने न्यू सिटीज़ डेवलप की नए स्टाइल्स के साथ द ग्रोइंग पोलिटिकल एस्पाइरेशन ऑफ द मुस्लिम्स ब्रॉड दैम इनड कन्फ्लिक्ट विद क्रिश्चन वर्ल्ड द कन्फ्लिक्ट लीडर बिकम टू कंसनट्रेट ऑन द सिटी ऑफ ज़ेरूसलम, द क्रिश्चन पोप लॉन्च द्रिसेट्सम द होली लैंड आफ्टर द इनिशियल सक्सेस द क्रिश्चन फोर्स आर कंपेल्ड टू रिट्रीट जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे ये धर्म और ज्यादा फैला जो मुस्लिम धर्म था तो इसकी वजह से क्रिश्चन धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच बहुत ज्यादा हुई और इन्हें क्या क्या नाम मिला क्रूसेड्स और होली वॉर्स इसके अंडर क्रिश्चियंस ने अपने होली लैंड को वापस लेने के लिए एक तरह से फाइट की थी पर आखिरी में वो उन्होंने बहुत कुछ मुस्लिम धर्म से सीखा और इनके इनके बिलीव्स को भी मानने लगे मतलब एक तरह से इनके अंडर आ गए अंडर तो नहीं कह सकते हम मतलब एक तरह से समझौता करके इनके बिलीफ से भी बहुत कुछ सीखा देन इंडिया एंड दी अरब वर्ल्ड

ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुके थे अपना इंडिया के साथ पहले ही अब मर्चेंट्स वुड सेल द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से ट्रेड करते मतलब की तरफ से ट्रेड करते थे मसालों का गोल्ड का और अदर चीज़ों का तो एक तरह से उस टाइम पे उन्होंने अपने रिलीजन को यहाँ पे स्प्रेड किया और धीरे धीरे कोस्टल रीजन पे इस्लाम धर्म को मारने वा, मारने वाले बढ़ गए इंक्रीज हो गए उनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए इन सेवन ट्वेल्फ सी ई अर्ब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड सिंध हावर दे कुड़ नॉट एक्सपेंड फर्दर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ स्ट्रोंग राजपूत किंगडम्स तो सेवन ट्वेंटी ट्वेल्फ सी ए में जो अर्ब्स थे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और सिंध को अपने अंदर ले लिया पर वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं कर सके क्यों क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग राजपूत किंगडम्स थे उस टाइम पे लास्ट वन द टॉक्स। बाय नाइन्थ सेंचुरी सी ई द अब एम्पायर स्प्लिट इनटू मेनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स अमंग देम वर दर्किश किंगडम्स ऑफ गजनी एंड लिटर घोर देयर रूलर्स लॉन्च सीरीज ऑफ इन्वेशन इंटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पेविंग वे फॉर दस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूलिंग इंडिया तो नाइन्थ सेंचुरी सीई से अब एम्पायर बहुत सारी किंगडम्स इंडिपेंडेंट किंगडम्स में स्प्लिट हो गया डिवाइड हो गया तो इनमें से जो मोस्ट फेमस थे कौन से कौन से थे गजनी और एक घोर तो इनके जो रूलर्स थे महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गुरी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए इंडियन इंडियंस पे इंडिया पे क्यों क्योंकि कि वो यहाँ पे मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश कर सके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिससन फर्स्ट वट कंडीशन अरेबिया इन प्री इस्लामिक टाइम्स तो अरेबिया में क्या सिचुएशन थी प्री इस्लामिक टाइम्स में क्या सिचुएशन अरेंज प्रिवेल हुई ठीक है तो अब्स बिफोर द रफ़ इस नाम परिडेड और कबीला जैसे हमने पढ़ा कि ट्राइब्स में और कबीला में डिवाइड थे उस टाइम पे अलग अलग ट्राइब्स होती थी हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था और ये ट्राइब्स जो थी ये फैमिली कोऑपरेशन पे फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देते थे मैनी अब ट्राइब्स ऑनमेडिक बहुत ज़्यादा अब ट्राइब थी वो इधर उधर मूव करती थी अपने एनिमल्स के लिए फूड सर्च करने के लिए ओके देन अलग अलग ट्राइब्स के अपने गॉड और गॉडेस थे अलग अलग ट्राइब्स अपने अपने गॉड और गॉडेस को मानते थे ठीक है पर एक बार साल में सारी ट्राइब्स एक जगह पे अपने सारे डिफरेंस को मिटा के एक जगह पे इकट्ठे होते थे और वो कौन सी जगह थी मक्का क्योंकि वहाँ पे एक लाइक स्ट्रक्चर है कब्बा वो सारे ट्राइब्स उनको मानते थे देन सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब दी अर्ली लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड राइज ऑफ इस्लाम मोहम्मद वाज बॉर्न इन फाइव सेवनटी सी इन दिटी ऑफ मक्का कहाँ पे बॉर्न हुए मक्का में फाइव सेवेंटी सी ई में उनकी ट्राइब थी कोहारश ट्राइब ठीक है उन वो पहले अनाथ हो गए थे छोटी एज में ही जैसे हमने पढ़ा था तो छोटी एज में अनाथ हो गए थे उसके बाद उन्हें उनके दादाजी ने पाला और उनके अंकल ने पाला रेस किया बड़ा किया उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने आ, अपने पेटर्नल ग्रैंडफादर के साथ ट्रेड जर्नी शुरू कर दी जिसके साथ उन्हें ट्रेड की नॉलेज हुई और डिफरेंट प्लेसेस की नॉलेज हुई उनके कल्चर के बारे में पता लगा और उनके बिलीव्स के बारे में विश्वासों के बारे में उन्हें पता लगा देन, ऑफ़ इस्लाम स्टार्ट दैट देयर इज ऑनली वन गॉड अल्लाह एंड शुड बी रिलीजन ऑफ इस्लाम तो अब इस्लाम का जन्म कैसे हुआ कि मोहम्मद ने ये प्रचार करना शुरू किया कि एक ही गॉड है हमें सिर्फ एक गॉड को पूजना चाहिए और उन्होंने ये बताया कि हमें सारी जिंदगी अल्लाह की बिल के अंदर अल्लाह की मंजूरी के अंदर बितानी चाहिए देन ब्रीफली डिस्क्राइब द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम सबसे पहले शादा फेथ ए मुस्लिम मोस्ट इसल इज़ वन गॉड कि एक ही गॉड है एक ही गॉड को पूजना चाहिए हमें ज्यादा गॉड्स को नहीं पूजना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं देन सेकेंड सलाद प्रेयर कि हमें एक दिन में पाँच बार नमाज पढ़नी है देन थर्ड जक़ात आर्म्स गिविंग ही मस्ट गिव चैरिटी अप मतलब कि उनको अपनी जो कमाई है उसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ चैरिटी करनी है और निधि के लिए देन स्वाम फास्टिंग नमाज के दिनों में फास्टिंग देन हज पिली टू मक्का मतलब एक एक बार लाइफ में यात्रा करनी है मक्का की देन फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द कैलिफेट तो मोहम्मद सक्सेसर मोहम्मद के सक्सेसर थे कौन से कौन से उनके सक्सेसर को खालिफ उन्होंने उनके सक्सेसर ने खालिफ और खलीफास का टाइटल ले लिया था उनके सक्सेसर थे अबू बकर ठीक है अबू बकर के बाद आए थे उमर उमर के बाद उस्मान उस्मान के बाद अली तो इनके टाइम पे उन्होंने बहुत छोटे पीरियड में ही बहुत सारी जगहों को अपने अंडर ले लिया था जैसे कि ईरान सीरिया इजिप्ट सेंट्रल एशिया नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन देन फिफ्थ क्वेश्चन वट वॉज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द अर वर्ल्ड क्या रिलेशन था इंडिया और अर वर्ल्ड का अब सड स्टेब्लिश पहले तो उन्होंने ट्रेड रिलेशन थे कर चुके थे इंडिया के साथ तो वो आइटम्स उनकी यहाँ इंडिया इंडिया के साथ ट्रेड करते थे और अपने आइटम्स को एक्सपोर्ट करते थे कौन से कौन से ऐसे स्पीसीज़ गोल्ड और अदर गुड्स और आइटम्स को एक्सपोर्ट करते थे और इन सेवन ट्वेल्व सी ई अर्ब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड सिंध सात सौ बारह सी ई में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया पर वो आगे एक्सपेंड अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं कर सका क्यों क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉग राजपूत किंगडम्स मौजूद T. Thank you students.